सभी बहुत टीचर बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उसकी टीचर बहुत अच्छी है। सबसे पहले हम लोग को दिसंबर में आरटी के तहत आरटी सर्टिफिकेट मिला हम लोग को, और यह हम लोग के लिए खुशी की बात है। और पिछला मतलब इस महीना मार्च में हम लोगों को यूडाइस नंबर मिला है, इसलिए यह खुशी की बात है। और मैं जितने भी हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और विशेषकर यह यूडाइस कोड मिलना बहुत ज़रूरी था एनओसी मिलने के लिए। और अभी हमारा एनओसी का प्रोसेस आगे हम बढ़ाएंगे, और इससे अभी क्या होगा कि हमारे माता पिता भयभीत नहीं होंगे, और हमारा स्कूल का अभी नाम हमारे राज्य में आ गया है, ये इसलिए बहुत खुशी की बात है। और हम चाहते हैं कि लोयला स्कूल टेलको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगी, और यह इस सत्र से 2022 से लोयला स्कूल जमशेदपुर का यह एक अंग है, और इसलिए हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है, पेरेंट्स के लिए सौभाग्य की बात है, अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए, कि यहाँ पर भी लोयला स्कूल जमशेदपुर की भांति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, और पेरेंट्स को अभिभावकों को उतना दूर जाना नहीं पड़ेगा, बिष्टपुर जाना नहीं पड़ेगा, और यही हम लोगों का प्रयास है। और अभी हम सबों का यही प्रयास है कि आरटी और यूडाइस मिलने से हम सब और जोर से स्कूल के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। और 2015 से यह स्कूल शुरू हो गया है, और यह अभी LKG से क्लास 7 तक कक्षाएं चल रही हैं, और बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि कोरोना काल में 2 साल से बच्चे स्कूल आए नहीं, बहुत सारे बच्चे बहुत उत्सुक हैं। और उपस्थिति का अगर बात करते हैं तो हम लोगों के पास 95% मतलब अभी उपस्थिति है बच्चों की, और 5-10% केवल बच्चे अनुपस्थित हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो बैठना नहीं चाहते, उसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि घर का माहौल और स्कूल का माहौल अलग है, और कुछ बच्चे बहुत नटखट भी हैं, इसलिए हमेशा टीचर भी परेशान हैं उनको शांत करने में, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि वो बच्चे भी हम लोग के स्कूल के नियम कानून के अनुसार वो भी अच्छे हो जाएंगे और उनका व्यवहार भी बदल जाएगा। और हमारी यही कोशिश है कि इस कोरोना काल में सभी बच्चों को बराबर दृष्टिकोण से शिक्षा देना और सबों को प्यार देना, और उनकी जो मुस्कान है इस स्कूल अहाते में देखने लायक बनती है, इसलिए सब पेरेंट्स भी खुश हैं, और अनुशासन भी यहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से बनाए रखे हैं, और यह हम सबों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कम साल में 7 साल में हमने यहाँ पर जो पाया है वह बहुत ही खुशी देने लायक है।
बच्चे लोग आफ्टर स्कूल के बाद उन लोग आने के बाद उनको स्कूल के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है, और इतने सालों के बाद अगर वो स्कूल से आए हैं तो बहुत इन्जॉयमेंट वो फील कर रहे हैं आ करके, डांस एंड स्टडीज सभी के लिए। ऑनलाइन क्लास में मज़ा नहीं आता था, हम जब घर में थे तो हमको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। ऑनलाइन क्लासेस होता था ना तो उतना मतलब वो फिनिशिंग वाला मज़ा नहीं आता था पढ़ने में ना। अभी जब से स्कूल खुला है तब से ए टू जेड समझ में आता है, पहले समझ में नहीं आता था मतलब। और फिर मैम लोग को भी फिर कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगता था ऑनलाइन क्लासेस में, और अभी ना क्या है कुछ टेंशन नहीं है, फिर यहाँ पर आओ और आराम से अपना पढ़ो और जो भी क्वेश्चन है पूछ लो मैम से, मैम बता देती है सारा एग्जाम्पल्स। ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छा है और बेनिफिशियल भी है, क्योंकि इसमें हम लोग अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और ऑनलाइन में नेटवर्क इश्यूज़ भी होता था, और ऑफलाइन में विजुअली हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, और ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा टेंशन है बट अच्छा है। मैंने बच्चों को बढ़ते हुए देखा है सर यहाँ पर, और छोटे से लेकर के UKG से लेकर के अब तक बच्चे काफ़ी स्ट्रेंथ में भी बढ़ गए हैं, एंड वी फोकस मोर ऑन वैल्यू डेवलपमेंट एज वेल एज पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सो ऑन। और मैंने यहाँ पे जो ग्रोथ इन डेवलपमेंट हमारे स्कूल का देखा है वो बहुत से फील्ड में है, मोस्ट सबसे ज़्यादा जो है वो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज हम उस पर ही ध्यान देते हैं, बच्चे किस तरह से बात कर रहे हैं, अगर ओपन फोरम है देन उसमें किस तरह से कोई भी टॉपिक पे वो बोल सकते हैं, एंड हमारा स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। बिफोर लॉकडाउन से पहले जब सब कुछ नॉर्मल था उस वक्त भी बहुत सारा टूर्नामेंट्स हुआ है जिसमें हमारे बच्चे ने जीता है, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड और भी जो हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है जिसमें डांस है, सिंगिंग है, इवन सिंगिंग एंड डांस में भी हमारे बच्चों ने जो है प्राइस दूसरे स्कूल में कॉम्पिटिशन में भाग ले करके प्राइज़ जीता है। तो ये सारे ओवरऑल डेवलपमेंट में हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं अपने बच्चों पर। एंड यस, आई एम वेरी प्राउड टू बी इन लोयोला एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम इन अ लोयोला, आई एम अ पार्ट ऑफ द लोयोलियन फैमिली। बहुत अच्छा, सब टीचर्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आउट ऑफ द बुक, सब कुछ एकदम बाहर से पढ़ा रहे हैं, एकदम नॉलेजेबल, एवरीथिंग नॉलेजेबल फ्रॉम द बुक एंड एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं हमें। अगर 12th तक हो जाती तो हमारे बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ होगी सर, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ के जो बैकग्राउंड के बच्चे लोग जो आते हैं वो बच्चे लोग को अच्छी एडुकेशन के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, जो अब बहुत पॉसिबल है सामने में करीब में। जिनत मारिया सुंडी। देखिए अभी इसका जो माध्यमिक शिक्षा विभाग से एक से LKG से जैसे एक से आठवां क्लास तक का अनुसित मिला है, UDIS नंबर मिला है, राइट टू एजुकेशन का जो रिकॉग्निशन है वो भी मिल गया है, और हमारा प्रयास है कि जल्दी जल्दी इसका NOC के लेके हम लोग जाएंगे और काउंसिल से इसका रिकॉग्निशन पाएंगे, अफिलिएशन करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और संसाधन को बढ़ा रहे हैं, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि बच्चों को इस इलाके के जो लोग रहते हैं, बच्चे लोग रहते हैं, इनके लिए सबसे अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, और कोशिश है कि हम यहाँ +2 तक का पढ़ाई के लिए प्रावधान के लिए कोशिश कर रहे हैं।
यही हमारा उद्देश्य है। अभी यहाँ पर ज़्यादातर जो संसाधन चाहिए लेबोरेटरी का, साइंस का काम जारी है। कंप्यूटर लैब तो तैयार हुआ है, लेटेस्ट कंप्यूटर लैब है। उसके बाद कैंपस में पूरा सीसीटीवी का सुविधा है और पानी का जो भी बच्चों लोगों के लिए जो सुविधा प्रावधान जरूरी है संसाधन, हम लोग उसको करने के लिए अभी कोशिश करेंगे। और लगता है कि जून जुलाई तक जितना भी संसाधन के जो कमी है वो पूरी हो जाएगी।